नमस्कार, मैं सोनू झुंझुनू, हमारा वर्तमान को बहुत बहुत स्वागत है। आज आप पूछे हाँ मुकनगढ़ मंडी के नाथ मुकनगढ़ की नाथ मंडी के अंदर बढ़िया गेहूं का है भाव है और कौन सी फसल है वह आ रही है और कौन सी फसल का कतादा भाव है और कौन कौन सी किस्म फसल का मान आईडी है, बस सारी जानकारी आसू बातचीत कर सकते। राम राम। क्या नाम आप? रणजीत सिंह। गांव? मांडा जी। तो अब की बार कौन सी फसल है जगह आ रही है? सारी फसलें अच्छी है अब की बार। फसल की यदि बात करें तो गेहूं के अंदर कौन कौन सी क्वालिटी है? गेहूं की वजह दो तीन वैरायटी है, ये 1482 को 1482 रेट है। हाँ। और दूसरी? दूसरी 3077 है। 3077। हाँ जी। तो इमर इम क्या फर्क है आज गेहूँ? ठीक है, कुछ किसानों की वो पसंद है, कुछ की ये है पैदावार। क्वालिटी की बात करें तो यहाँ मतलब तो कहीं फर्क होगा, इस एरिया में यही इनकी पैदावार ज़्यादा होती है इसलिए किसान इनको बोते हैं ज़्यादा। एक ही रेट अलग है, एक ही रेट अलग है, रेट को डिफरेंट क्यों? रेट समान ही है, कोई विशेष फर्क नहीं है। तो बिया यदि अच्छी गुणवत्ता को मान लो गेहूँ ये 1400 अच्छी। हाँ, तो कहीं पर पड़ा कि भाई वो अच्छी गुणवत्ता को है तो ये तो खाने पर कलर वगैरह को कलर भी चमकीला होगा ये और के खाने मोटाई को भी आधार हुए। हाँ, कि उपज भी अच्छी है, खाने में स्वादिष्ट है। कौन सी बोलिया करें इन किस्म में, का नाम है 1482। 1482 के नाम है। हाँ जी। रेट भाई का आपका प्रजेंट का भाव कहीं है? प्रजेंट भाव 2300 रुपये। 2300 रुपये। हाँ। और ये दूसरा का? दूसरे का 2250 रुपये। वो जो चनो है ये कहीं रेट में आ रहे हैं? वो 6200-6250 रुपये। 6200-6250। हाँ जी। बेस्ट क्वालिटी में है क्या? बेस्ट। तो एक अंदर और कौन कौन सी किस्म आ रही है? अभी तो एक ही वैरायटी है, एक ही वैरायटी। हाँ। सरसों की यदि आप बात करें तो सरसों के भाव है 4900। तो एक अंदर और भी क्वालिटी आवे? इसमें तो वैरायटी है अलग अलग कंपनियों की और जिसमें तेल की मात्रा ज़्यादा है वो उसकी रेट ज़्यादा है। तो इसकी मोटाई का आधार पर पता तो लगा कि यहाँ का ये तेल को इसका ऑयल परसेंट चेक किया जाता है, इसमें कितना परसेंट ऑयल है उसके जो भाव थे ऑयल को पता। मशीन को तो द्वारा लगा? मशीन। और कौन सी मशीन जो थे रख रहा है? यह मोस्टर मशीन है। मोस्टर मशीन, इसमें नमी है, नमी का पता चल रहा है तो सारी जिंसों का नमी का पता चलता है। तो एक नमी को क्या बेरो पड़े चला रही थी? इसको फुल करके इसमें एक नंबर बटन दबाओ और 5.8 आया, ये पास है, नमी नहीं है इसमें, जितनी नमी होनी चाहिए वो ही है, अलग से नमी नहीं है, अलग को कोई नमी को नहीं के अंदर। तो थे गेहूँ वगैरह है जो कहीं बावर है 2900 रुपये। 2900 रुपये। हाँ जी। एक अंदर कौन कौन सी क्वालिटी आवे? एक ही वैरायटी है, ये शंकर है, एक देसी है, दो वैरायटी है इसमें। दो वैरायटी है। हाँ। शंकर का कहीं भाव है? एक ही समान भाव, एक ही है दोनों का बराबर भाव। हाँ। तो ये जो थे फसल है आस पड़ोस का किसान नहीं देर जावे क्या? हाँ, ये इस एरिया के नज़दीक के गाँव के लोग नज़दीक में। हाँ, 8-10 गाँव के लोग है। तो ये जो पलदार वगैरह थे राखो हो ये परमानेंट तौर पर थे थगन काम करे या फिर डेली वेजेज पे? डेली वेजेज। तो अन नक्के साहु पीस है या फिर सैलरी भी परमानेंट है? नक पे। नक पे। और यदि कोई भी परमानेंट भी रखोगे एक दो आदमी? एक आदमी परमानेंट तो ऐसे नहीं रहता, बस आ जाते हैं कि इस पे ही काम करना है। तो पर डे को कतोक थगन गेहूँ आ जावा है, कतोक थगन सरसों आ जावा है? आज 100 क्विंटल के आसपास सरसों आती है, गेहूँ आते हैं 100-150 क्विंटल और चने आते हैं 50-60 क्विंटल जो अभी बंद हो गया। यदि अब की बार गेहूँ की बात करा तो किसी का ही उपज है वह हुई बम्पर फसल है, बढ़िया फसल है। हाँ, बहुत बम्पर है, सारी जिंसों की अच्छी पैदावार है, क्वालिटी भी अच्छी है। तो क्या कारण है कि हर साल का बजाय अब की बार है जो फसल का मान बढ़िया होना? फसल के लिए मौसम अनुकूल रहा, एक महीने बिल्कुल नमी रही मौसम में, इस वजह से फसल अच्छी पकी, अच्छी पकने पे अच्छी होगी फसल। तो हर साल से भी ज़्यादा बड़ी बेटर होगा? हाँ हाँ, बहुत बेटर, बहुत तो डबल है। डबल है। हाँ।
इतना गेहूं मंडी में आता ही नहीं, आज तक नहीं आया। तो एक बीघा का आधार के ऊपर कतो गेहूं निकल कर आ रहे थे? 6 क्विंटल, 5-6 क्विंटल। हाँ, तो अब की बार था और कहीं लाग रही है, और कौन कौन सी फसल है जो आगे आने वाली? आगे आने वाली तो बाजरा, मूंग, गुआर, मोटर ये होंगी। हाँ, मूंगफली। एक अंदर पानी गेहूं है जो एक अंदर पानी वगैरह का तो कहीं भी देना पड़ा कुछ? 6-7 पानी लगे। 6-7 पानी लगे। हाँ, कति घंटा चलाना पड़े पानी? 3-4 घंटा चलाना पड़ता है। पर डे? पर डे नहीं, 5-6 रोज बाद में, 5-6 दिन बाद में। किसान ने जगह आपकी जो फसल है लेकर आवा था, हाँ। तो MSP मूल्य का आधार पर दो थे रिटर्न किया के आधार पर पेमेंट के? हाँ। केस नहीं, MSP मूल्य हो ना? बाजार भाव जो मंडियों के बाजार भाव, गवर्नमेंट रेट नहीं, मंडियों के बाजार भाव। तो थे ये आधार पर दो का भी था, जो मान लो था गेहूँ है वो कौन सी क्वालिटी को है, या फिर भी आधार पर थे खुद डिसाइड करो या फिर किसान डिसाइड करे? नहीं, किसान नहीं, मैं खुद करा ली डिसाइड। अंकल जी, वो जो उपकरण है वो के काम में आवे है? तो जो आगे सूती को बनाए है, बीच सुई का स्पेस छोड़े है, वो के कारण है? यो कट्टे के माऊ नमूनों निकालने के लिए, मतलब हाथ को डालना पड़े? हाँ, भी लगाओ। हाँ, देखो ऐसे लगाओ अंदर। हाँ, और ये अंदर है तो इसको डायरेक्ट निकल जाएगा। हाँ, तो इको काई बोला करे को यंत्र को काई? परखी बोला इन? हाँ, लोया उसका द्वारा बनाया जाएगा? परखना, परखी को और तो को परखना। हाँ, तो आप पूरा लोया उसको बनाए किया क्या? लोकी। राम राम जी। राम, क्या नाम आप? अर्जुन सिंह। गांव? राजपुरा। कता दिन होगा था नाज को काम? मान तो होगा घना दिन होगा। हाँ, 5 साल कह ज्यादा होगी, 10 साल तो बाणिया के नाता होगी कोई। तो अब कौन कौन सी फसल जगह आ रखी है? फसल में तो काना बारा कहें, गेहूँ बारा कहें, अई बारा कहें, बाड़ी कर रखी। तो नाज के लिए बात कराऊँ तो गेहूँ के अंदर कौन कौन सी किस्म आ रखी है? 1482 खाने में बढ़िया रही, जो रोटी बनाने भी का लोच बहुत जोर का है, और बाकी गेहूं का पॉलिश की यदि बात करा तो पॉलिश नहीं, खाने का मान जहाँ रोटी बनाने जाई का लोच तो जोर का हुआ है की जहाँ मान लो दूसरा गेहूँ आप बना के खासा लेना कोटाला सा लाग सी पुराना गेहूँ, और आँख की बना छाना बहुत जोरदार बोलने में और खाने में बहुत अच्छी रहे। इका पानी वगैरह किया कहीं लाग रही है? पानी है वो किसान ही देती है मन की मर्जी, कोई 20 पानी देते दे, कोई 10 ही देते दे, पानी आपकी सुविधा अनुसार। आगे रेट कहीं है? बाणिया तो यही 2300-2250 रुपये ले, जबकि काश्तकार हिंजगा प्राइवेट बेचें 2500 रुपया तो नहीं बेचें। क्या और भी दूसरा गेहूँ का? एक ही रेट है, एक ही रेट। दुनिया ने बीज क्वालिटी से मतलब थोड़ी है, दुनिया तो रेट से मतलब है। चना की यदि बात करा तो चना की प्रजेंट में क्या भाव चाहिए? 62-62 रुपया, 6,250 रुपया। तो आपने कौन सी क्वालिटी को है? ओ ना बढ़िया बढ़िया चुनो, एक नंबर चुनो। अब की बार हर फसल बढ़िया। मेथी भी आ रही है? हाँ, मेथी भी आ रही है, मेथी बढ़िया, मेथी का 53,500-54,000 रुपये भाव मेथी। हाँ, बढ़िया मेथी को। मेथी की यदि बात कराऊँ तो एक अंदर भी दो क्वालिटी आ रही है? हाँ हाँ, या लड़की है ये में हरियो दाणो है, जो पीली हो है एकदम से मोटो दाणो है ना, बहुत बढ़िया। एक क्या भाव चल रही है? एक 53,500 रुपया, 53,500 रुपया ये रेट है कई दिनों से है। जो आस पास हूँ मंगाओ क्या ना, मत तो जाकाश कराया किराया आया करूँ रहे, मेरे तो आप या पिकअप है।